वीडियो में आज हम सोल्व करेंगे एक और क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है एमडीयू का। तीन क्वेश्चन पेपर की ग्रामर सोल्व करवाई जाएगी। तीनों क्वेश्चन पेपर की जो ग्रामर है लर्न करके जाना। इनसे बाहर थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी, वो बाकी वीडियोस देख रखी हैं तो उनसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक दिमाग सेट हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से सोल्व किए जाते हैं, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है इन तीन वीडियोज़ से आपको। करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले एक बात और कह दूं, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे से कमेंट्स करके कहते हैं कि मैम अच्छा रिजल्ट आया या फिर अच्छे एग्ज़ाम्स हुए, तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि उसमें आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाती हूँ और उसमें से काफ़ी आपने बहुत मेहनत की होगी, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा रहा, तभी आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हुए। तो ये क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी जाता है। अब लर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अटेम्प्ट एनी 20 पार्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी 20 ही करने हैं। नाइदर माई रिलेटिव्स नॉर माई फ्रेंड। अब नाइदर और नॉर से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। अब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो वर्ब के बिल्कुल पास वाला होता है उसको देखते हैं। तो नॉर के बाद माई फ्रेंड है, वो है सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब आएगी इज़। नाइदर माई रिलेटिव्स नॉर माई फ्रेंड इज़ इन द रेस। क्लियर। ए पेयर ऑफ सॉक्स, मैंने पहले ही बताया था कि ए पेयर जहाँ पे भी आ जाए उसके बाद चाहे लगभग प्लूरल ही मिलेगा सब्जेक्ट, लेकिन जो वर्ब लगेगी वो ए पेयर के अकॉर्डिंग लगेगी। ए पेयर ऑफ सॉक्स इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। वी हैव वॉन द मैच, इसको हमें चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें अचानक हमारे मन में आए सुख दुख या फिर आश्चर्य की जो भावना है वो प्रकट होती है, उसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वी हैव वन द मैच, इसमें हम बनाएंगे कैसे। इंग्लिश में एक वर्ड होता है हुर्रा, खुशी के लिए कौन सा वर्ड होता है हुर्रा, और एज इट इज़ लिख देंगे हुर्रा वी वन द मैच। हुर्रा वी वन द मैच, हुर्रा वी वन द मैच। नेक्स्ट है रमेश हैज़ ईटन बनानास, इसको हमें चेंज करना है वॉइस में। वॉइस के रूल्स आप उस टॉपिक से देखना, एक्सरसाइज के लिए सेपरेट वीडियो है। सोल्व करते हैं इसको। बनाना जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। बनानास प्लूरल है, हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा हैव बीन। हैज़ और हैव हैं, जब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ बीन हैव बीन में चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लगाया। बनानास हैव बीन, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, लिखी रखी है बनानास हैव बीन ईटन बाय रमेश। समझ गए हो गए आप, इंटेलिजेंट हो इतने तो। एंजेला वॉज अफ्रेड, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। एंजेला वॉज अफ्रेड, एंजेला डर रही थी कि दैट शी वुड फेल इन एग्जाम्स या शी वुड फेल इन इंग्लिश, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन शुरुआत किससे करनी है दैट से, किसी और कंजेक्शन से भी कर सकते हो जिससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने, मिश्रित वाक्य बने। हु किल्ड द स्नेक, फिर से वॉइस चेंज करनी है। जो हु वाले होते हैं वो बनते हैं किससे, बाय होम से, बाय होम। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे नेक्स्ट वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, कॉन्टिन्यूस वाली। बाय होम वॉज द स्नेक, By whom was the snake killed? Last में question mark. By whom was the snake killed? Raman. Raman present tense लगाना है, simple present. आपको सभी को पता है simple present में does ही आता है, did जो आता है वो simple past में आता है। Is she coming? Identify the type of sentence. आप समझ गए होगी, क्वेश्चन मार्क देखते ही कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, इंटरोगेटिव।
सिर्फ इंटरोगेटिव नहीं लिखना, पूरा लिखना होता है पेपर में इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमें शुरू से ही आदत होनी चाहिए चीज़ों को प्रॉपर लिखने की, चीज़ों को सही से समझने की। इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, शी डज नॉट लाइक क्रिकेट। इसको चेंज करना है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या बन जाएगा, अब लिख रखा है वह क्रिकेट पसंद नहीं करती, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो बनेगा क्या वह क्रिकेट पसंद करती है। जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स में डज, वो हमेशा सब्जेक्ट से बाहर आ जाती है। डज शी लाइक, डज सी लाइक क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज सी लाइक क्रिकेट। स्टूडेंट्स ऑबे देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स, अप्लाई द एप्रोप्रिएट मॉडल। मैंने बताया था कि जहाँ पर भी जो विद्यार्थी हैं उनको अपने पेरेंट्स को टीचर्स को ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन मानना चाहिए, कहना मानना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो है वो शुड का प्रयोग करेंगे। सुझाव दिया है तो शुड का, पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी बात हुई थी। और अगर आपको यहाँ पे टू लगा मिल जाए तो एक ओट टू भी होता है, दोनों ही लगा सकते हो, क्योंकि इसमें हम पहचान नहीं कर पा रहे कि सलाह है या कर्तव्य। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं, शुड भी लगा सकते हो, ओट टू भी। स्टूडेंट का ये कर्तव्य भी बनता है और ये सलाह भी हम दे सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ओबे करने चाहिए टीचर्स और पेरेंट्स। ही नॉट एंटर द किचन अगेन, कमांड दे रखी है कि वो किचन में दोबारा से एंट्री नहीं करेगा। आपने शेल और विल के बारे में कुछ सुना होगा कि जो शेल है आई और वी के साथ प्रयोग होता है और बाकी के साथ विल। लेकिन अगर कमांड हो, कोई काम बिल्कुल पक्का ही करना हो, तो इनके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। जो आई और वी के साथ विल का प्रयोग होने से वो चीज़ें और भी सख्त बन जाती हैं कि वो काम करना ही करना, और शेल के साथ बाकी। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ही शैल नॉट इंटर द किचन अगेन। ये कमांड हो जाएगी, आदेश हो जाएगा कि वो किचन में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओपन द गेट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आप बता पाओगे क्योंकि आपने पहले वाला क्वेश्चन पेपर लर्न किया है, तो डेफिनेटली बता पाओगे। ओपन एक वर्ब है, सब्जेक्ट इसमें है नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस में यू सब्जेक्ट होता है जो हिडन होता है बट अंडरस्टूड होता है। सामने वाले को कहा जाता है ओपन द गेट, कि गेट को ओपन करो। कौन सा टाइप सेंटेंस है, इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव, और नीचे क्या लिख देंगे, सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है राहुल खुराना, ये एड नहीं है, सैड है। राहुल खुराना सेड आई एम वेरी टायर्ड, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना इसमें। राहुल खुराना, आपके नरेशन पे वीडियो बना रखी है, लेकिन स्टूडेंट उसमें ऐसा है कि आपकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उन पे नहीं बना रखी, लेकिन टॉपिक की वीडियो आप देख सकते हो, आपको लिस्ट में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राहुल खुराना सेड दैट, आई का बन जाएगा ही, एम का बन जाएगा वोज, ही वोज वेरी टायर्ड, ही वॉज वेरी टायर्ड। अभिमान सैड, अश्विन वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। अभिमान सैड दैट अश्विन हैड बीन, वो उसका हैड बीन चेंज हो जाता है, हैड बीन प्रेजेंट द डे बिफोर, यस्टरडे का चेंज हो जाता है द डे बिफोर में, द डे बिफोर। ही इज़ ए क्लेवर फेलो। क्वेश्चन टैग वाली वीडियो देखी है तो इसको सोल्व कर पाओगे कि सबसे पहले जो फुल स्टॉप है उसको हमें हटा के कोमा में चेंज कर देना है, उसके बाद देखना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव, यानी इसमें कहीं पर भी नोट का प्रयोग नहीं किया हुआ,
फिर देखनी हेल्पिंग वर्ब इज है, सब्जेक्ट ही है। फिर हम इसका जो क्वेश्चन टैग होगा इजंट ही, ये बन जाएगा इजंट ही। इज के साथ नॉट लग जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगेगी, शॉर्ट फॉर्म लगेगी, और सब्जेक्ट कौन सा लगेगा? ही। नेक्स्ट सेंटेंस है पास मी द सॉल्ट। पास मी द सॉल्ट भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं लास्ट का फुल स्टॉप हटाया और कॉमा लगाया और क्या लिखा? विल यू। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग होता है विल यू। नेक्स्ट जो वर्ड है वॉच, ये एक होमोनिम है, यानी कि एक ही तरह की स्पेलिंग है, एक ही वर्ड है, और इसके जो मीनिंग है वो अलग अलग है, नाउन के तौर पे, संख्या के तौर पे अलग है और क्रिया के तौर पे अलग। एक वॉच आपको सभी को पता है घड़ी होती है, और जो दूसरा वॉच होता है मतलब सेम मीनिंग, सारा सब कुछ सेम, लेकिन एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है देखना। अब हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे माई फ्रेंड गेव मी ए वॉच ऑन माई बर्थडे। मेरे बर्थडे पर मेरे दोस्त ने मुझे एक वॉच दी। जब भी आप इसको लिखना शुरू करें तो यहाँ पे लिखना वॉच और ब्रेकेट में क्या लिख दोगे? नाउन, और उसके बाद लिख देना ये सेंटेंस। एक प्रॉपर तरीका होता है ये लिखने का। सेकंड, लिखा तुमने वॉच और ब्रेकेट में लिखा वर्ब, इसमें क्या लिखेंगे? आई वॉच्ड ए हॉरर मूवी, हॉरर मूवी। यहाँ पे वॉच का मतलब क्या है? देखना, और वहाँ पे वॉच का मतलब था घड़ी आँख पे पहनने वाली। नेक्स्ट है एक्ट। एक्ट का मतलब एक तो होता है नाउन के तौर पे, एक्ट का मतलब प्रावधान भी होता है, आपने पढ़ा भी होगा अधिनियम जिसको कहते हैं, उस एक्ट के अनुसार ये हुआ। एक एक्ट का मतलब होता है हिस्सा, जैसे प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, उसमें 5 एक्ट हैं 6 एक्ट हैं या 1 एक्ट है। और दूसरा होते हैं वर्ब के तौर पे, एक्ट का मतलब होता है काम करना। तो शुरू में हम किस पे? नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे एक्ट को। बिल्कुल आसान सा लिखेंगे देर आर 5 या 3 या 2, देर आर 5 एक्ट्स इन द प्ले। एक प्ले में 5 एक्ट हैं। एक्ट का मतलब हिस्सा, पार्ट्स। किसी प्ले का नाम भी दे सकते हो कोई ढंग से याद हो तो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन से उसमें 5 हैं। वर्ब के तौर पे देखेंगे इसको, ही ऑलवेज एक्ट्स, एक्ट्स यहाँ पे वर्ब के तौर पे है काम करना, ही ऑलवेज एक्ट्स अपॉन माय एडवाइस, वो हमेशा मेरी सलाह के अनुसार काम करता है। नाउन के तौर पे समझ में आया या नहीं आया? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नाउन के तौर पे, देर इज़ ओनली वन एक्ट, आपके थर्ड सेम में नहीं, फोर्थ सेम में आई थिंक प्ले, देर इज़ ओनली वन एक्ट इन द प्ले द स्लीप वॉकर ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका नाम है, ये प्ले का नाम है। द स्लीप वॉकर याद ना रहे तो इसकी जगह लिख सकते हो बिफोर ब्रेकफास्ट, ये स्पेलिंग टफ लगे तो इसको लिख सकते हो बिफोर ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग सभी को आती है, BREAKFAST, बिफोर ब्रेकफास्ट प्ले, उसमें भी एक ही है, सारे वन एक्ट प्ले हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एट, ये 8 गिनती का होता है, इस 8 का मतलब होता है खाना। इसको इजीली करें तो 8 इज़ ए लकी नंबर, ऐसे ही लिख सकते हैं लकी नंबर
ये मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन मेरे को सेंटेंस बनाना था. एट इज़ ए लकी नंबर. नेक्स्ट है, इस एट का मतलब होता है खाना. आई एट टू बनानास इन ब्रेकफास्ट. मैंने ब्रेकफास्ट में दो बनाना खाए. What a beautiful flower. Punctuate the sentence appropriately. Punctuation topic पे वीडियो आ चुकी है, आपकी जो प्लेलिस्ट है सेकेंड सेम की उसमें मिल जाएगी. नरेशन की भी मिल जाएगी आपको, उसमें पूरा टॉपिक आप वहाँ से सीख सकते हैं. अब इसकी पंक्चुएशन बनाते समय देखो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो जो सेंटेंस होता है उसका जो पहला लेटर होता है, उसका वर्ड का पहला लेटर वो बड़ा करेंगे. What a beautiful, what a beautiful flower. Exclamatory है ये, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा यहाँ पे. नेक्स्ट है पंक्चुएटी करना है इसको. विल यू सिट हेयर, डब्लू बड़ा, विल यू सिट हेयर फुल स्टॉप. नेक्स्ट है ही लव्ड हर, ही ओनर्ड हर. दोनों में देखेंगे सब्जेक्ट है सेम और हर भी ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो हम यहाँ पर जो दो डिफरेंट है उनको किससे जोड़ देंगे, एंड से. और सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही लव्ड एंड ओनर्ड ओनर्ड हर. यही तो बनाना था कंपाउंड सेंटेंस. शी गेव मी एन अम्ब्रेला, इट वॉज रेनिंग. सी गेव मी एन अम्ब्रेला और फुल स्टॉप हटाया और उसकी जगह पे क्या लगाया हमने, बिकॉज. शी गेव मी एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज, इट का आई छोटा बना देंगे क्योंकि हम अलग सेंटेंस शुरू नहीं कर रहे, कंजेक्शन से जोड़ के उसी सेंटेंस को एक बना रहे हैं. इट वॉज रेनिंग. समझ गए हो गया आप. अक्षत एंड हर फ्रेंड, अक्षत और उसका फ्रेंड एंड से मिले हुए हैं, दो सब्जेक्ट हो गए, आर आएगा. आर वॉचिंग ए मूवी, अक्षत और उसका दोस्त, दो हो गए ना प्लूरल, आर आएगा. ही के साथ एक ही आता है वॉच. ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट. डू एज डायरेक्टेड. अटेम्प्ट एनी सेवन अटेम्प्ट करने हैं. ये ध्यान रहे कि जो बी पोर्शन है उसमें अलग से सेवन है. सप्लाई appropriate conjunctions. Mrs. Otima, Mr. Basu. Mrs. Otima and Mr. Basu live together in a flat in Delhi. Tem Jenba, कौन है तेम जेनबा, तेनुला का ब्रदर. Could walk fast. तेनुला तेज चल सकता था but, लेकिन उसकी जो sister है could not, वो नहीं चल सकती थी. माजी was not worried. Worried के बाद यहाँ पे about आएगा मेरे according तो. मुझे लगता है कि इन्होंने ये गलत दे दिया. अबाउट एक प्रेपोजिशन होती है, कई बार सेंटेंस ऐसे गलती से लिख दिए जाते हैं. डजेंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं. नेक्स्ट है सप्लाई अप्रोप्रिएट कंजक्शन. अब आप देखोगे कई बार पेपर में लिखने वाला भी गलत लिख देता है. यहाँ पे भी कंजक्शन, यहाँ पे भी, ऐसा हो नहीं सकता. यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है. यहाँ पे फिल कर रही थी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आनी चाहिए थी और कंजक्शन गलती से लिखा गया. तो प्रेपोजिशन का टॉपिक समझें इसको. The thug was afraid के बाद हमेशा of लगता है, of the peasant. जो ठग हैं वो किससे डर गए थे, किसान से. She handed over, hand over the charge to her subordinate officer. जो charge था, hand over का मतलब होता है सौंप देना. We must abide के साथ हमेशा by का use होता है. We must abide by the rules. तिनुला was brought up. Bring up की second form brought up होती है. Brought up का मतलब होता है पालन पोषण होना. In a poor family. Next है she is. इसमें भरने हैं हमें articles. Articles होते हैं a, an और the. Are called articles. She is. ये है honest नहीं आता, ये होता है honest. क्या होता है, ऑनेस्ट होता है. अब
हमने ये सीख रखा आर्टिकल में कि जो साउंड वोवल से शुरू होगी उसके साथ हम लगाते हैं एन, तो यहाँ पे भी क्या फिल कर देंगे, एन। अब जितने भी गेम्स होते हैं उनका एज ए जनरल जब जिक्र किया जाए तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगती। द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट, चाइल्ड ने खो दिया 1 रुपी नोट। क्या खोया, 1 रुपये का नोट। अब आप देखोगे आपको ओ दिख गया, आप फटाफट यहाँ पे क्या लगाओगे, एन, जो कि क्या है, गलत, क्योंकि देखो स्पेलिंग है ओ एन ई, लेकिन जो साउंड दे रहा है वो किसकी दे रहा है, वह की, वह साउंड है, तो यहाँ पे वोवल साउंड नहीं है, वह आता है कॉन्सोनेंट में, जो व्यंजन है उसके स्वर में आता है वह, और जो व्यंजन स्वर वाले होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ए। द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट ए 1 रुपी नोट, ध्यान रहे। तो ये थी आपकी इस चैप्टर की, सॉरी इस क्वेश्चन पेपर की ग्रामर। आपको बहुत फ़ायदा मिले इन वीडियो से, आप अच्छे करेक्ट, अच्छे से बिल्कुल करेक्ट 20 सेंटेंसेस करके आएँ और आपको 20 के 20 मार्क्स मिलें।